सीईओ बनने के बाद अब पराग ने अपना पहला ईमेल ट्विटर के सभी एम्प्लॉइज को भेजा है। उन्होंने अपने ईमेल में क्या लिखा, सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। उन्होंने लिखा, थैंक यू जैक, मैं सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहा हूँ। मैं आपकी फ्रेंडशिप, मार्गदर्शन, सेवा, कल्चर, आत्मा और उद्देश्य के लिए आभारी हूँ। इन चीजों का आपने हमारे बीच बढ़ावा दिया और महत्वपूर्ण चुनौतियों में कंपनी की लीडरशिप संभाली। आपने मुझ पर जो विश्वास किया, साथ ही हम दोनों के बीच की जो पार्टनरशिप रही, उसके लिए भी आभारी हूँ। टीम में आप सभी के लिए आभारी हूँ। ये आप ही हैं जो फ्यूचर में एक विश्वास के लिए प्रेरित करते हैं। मैं 10 साल पहले इस कंपनी में शामिल हुआ था, तब कंपनी में 1000 से कम एम्प्लॉय थे। बातें अपने ईमेल में लिखी है। उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग से लेकर सीईओ बनने तक के पड़ाव का जिक्र भी ईमेल में किया। उन्होंने लिखा, यह एक दशक पुरानी बात है, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। मैं आपके रास्तों पर चला हूँ, मैं कई तरह के उतार चढ़ाव, चुनौतियों, जीत और गलतियों को देख चुका हूँ, लेकिन तब और अब के बीच में ट्विटर के बढ़ते प्रभाव, उसकी प्रोग्रेस और आगे आने वाली एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज को देखता हूँ। हमारा उद्देश्य कभी अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा। हमारे लोग और कल्चर दुनिया में किसी भी चीज से अलग है। हम एक साथ क्या कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पराग ने ट्विटर के आगे की रणनीति को लेकर भी अपनी बात शेयर की। उन्होंने लिखा, हाल ही में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ट्विटर ने अपनी रणनीति को अपडेट किया है। मेरा मानना है कि रणनीति साहसिक और सही होनी चाहिए। हमारी महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि इसके खिलाफ हम कैसे काम करते हैं और कैसा रिजल्ट देते हैं। इसी के जरिए हम अपने कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स और आप सभी के लिए इसे कैसे अच्छा बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ #lovebear #youwork पर जाएं। हम कैसे एक साथ काम करते हैं यह भी पसंद करें। पराग अपने ईमेल के आखिरी पैरा में लिखते हैं, मैं जानता हूँ कि आप में से अधिकतर लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, इसके अलावा कुछ थोड़ा और कुछ बिल्कुल नहीं जानते। आइए भविष्य की ओर पहले कदम पर विचार करें। मुझे मालूम है कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं। हमारे पास डिस्कशन करने को बहुत कुछ है। दुनिया हमारी तरफ पहले से ज्यादा देख रही है। आज की इस खबर को लेकर बहुत सारे लोगों का अलग अलग नजरिया और विचार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह लोग ट्विटर और उसके भविष्य की केयर करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो काम करते हैं वो मायने रखता है। लेट शो द वर्ल्ड ट्विटर्स फुल पोटेंशियल।